बेलदौर प्रखंड अंतर्गत रोहियामा गांव निवासी जुम्मन अली के पुत्र अयुबुद्दीन थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जहां उनके आवेदन में वर्णित है कि अपनी जमीन पर कई वर्षों से जोतावास करते आ रहे हैं, जिसको कांतलाल शर्मा, मनोज शर्मा, गजाधर शर्मा के द्वारा लगे मकई की फसल को जोत कर बर्बाद कर दिया गया है। जो अब तक व्यक्ति को जुताई करने में मना करने गई तो नामित व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज की गई एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह दिए गए आवेदन में वर्णित है कि तौंजी नंबर और 525, जमाबंदी नंबर 635, खाता 215, खसरा 434, जिसका रखवा 2 बीघा आर्च है और उक्त जमीन को वो कई वर्षों से जोत आवास करते आ रहे हैं, जिसको कांतलाल शर्मा, मनोज शर्मा, गजाधर शर्मा के द्वारा लगी मकई के फसल को जोत कर बर्बाद कर दिया गया और अब व्यक्ति को जुताई करने से मना करने गई तो नामित व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज की गई है एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई है। आवेदन के अनुसार उक्त मामला पंचायत के सरपंच के जनता दरबार एवं आदर्श थाना बेलदौर में लगे जनता दरबार में भी दिया गया था, जिसका फैसला उक्त जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी के द्वारा उनके पक्ष में दिया गया है। उक्त मामले को लेकर बेलदौर थाना अध्यक्ष परेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जाँच की जा रही है। क्या नाम है? मोहम्मद अयुबुद्दीन। घर? रोहियामा। हम आवेदन दिए हैं जी। क्या मैटर? मेरा अपना निजी जमीन जो है जोत दिया, डिब्बी लगा हुआ है, फसल लगा हुआ, रात में हर वे हथियार के साथ जोत दिया। कौन? कंतलाल शर्मा था, उसका लड़का था मनोज शर्मा, उसके बाद गजाधर शर्मा था और बहुत आदमी को नहीं पहचान पाए, जो कि हर वे हथियार के साथ हम डर के मारे लौट के चले आए। आप कैसे कह सकते कि आपका जमीन है? वो केवल की जमीन है, सारा चीज मेरे पास मौजूद है। वो लोग काहे जोत रहा है? क्या कहता है कि हमको पैसा दो, नहीं तो 50,000 रुपया हमको साल दो। उसके बगल में खेत है, रंगदारी मांगता। अच्छा, इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ है? जी नहीं, कभी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा, तो क्या बोले थाना अध्यक्ष? थाना अध्यक्ष ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करते हैं।